हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज जो है संडे का दिन है और आज एक और काम है। बेसिकली ये काम जो है वो रिलेटेड है फिश के रिगार्डिंग, मेरे फिश टैंक के। तो मैं आपको उसका एक अपडेट दूंगा फिश टैंक का। एंड उसमें एक हीटर लगाना पड़ेगा मुझे, तो मैं आपको हीटर दिखाता हूँ कैसा क्या है। बट उससे पहले मेरे को उसका जो है फिल्टर क्लीन करना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ फिल्टर कैसा है और कैसे क्लीन होता है, सब कुछ दिखाते हैं आज आपको इस वीडियो में। तो गाइस देखिए, ये जो है ये फिल्टर मैंने खुद ही बनाया है इसका, और ये कितना गंदा हो गया। वैसे 2-3 हफ्ते हो चुके हैं इसको साफ किए हुए। तो ये मैंने 3-4 जो है ये स्पॉन्ज है, ये फिल्टर है। तो आप साबुन डिटर्जेंट कुछ यूज मत कीजिए, डायरेक्टली साफ कीजिए इसको। तो गाइस आइए अब मैं दिखाता हूँ फिल्टर कैसे काम करता है। मैं इसको आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ पूरा सेटअप। एंड एक फिश अपडेट भी होने वाला है आज। फिलहाल सारी जो फिशेज है काफ़ी रिलैक्स्ड है, कोई ऐसा नहीं है क्योंकि इसको आदत हो चुकी है मेरी। अब ये देखो गाइस, इसको कैसे ये पाइप है इसके अंदर, ये ऑक्सीजन पाइप है। अगर ये पानी के अंदर रहेगा तो पानी में एयर बबल्स नहीं आएंगे। तो गाइस ये देखिए, फिल्टर से पानी जो है इसके अंदर जा रहा है, उसके अंदर एक्वेरियम का पानी। एंड देन ये पानी जो है इसके थ्रू जो है इस नोजल के थ्रू जो है बाहर जाएगा। मैंने वैसे लास्ट टाइम दिखाया था, ये मैं आपको उठा के दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ से पानी जो है आउटपुट इसका आ रहा है और इनपुट ये रहा। एंड हमारा जो है मेन उसकी वहाँ पे जो है फिल्टर है जो हमारा पानी को पंप कर रहा है। एंड अभी पानी जो है क्लियर है वैसे, बट मैंने सारा दिन जो है आज फिल्टर नहीं ऑन किया था। तो गाइस ये रहा हीटर, सोबो का है, अच्छा ब्रांड है। मैंने वैसे ऑनलाइन नहीं मंगाया ये वाला, ऑफलाइन जाके दुकान से लेके आया हूँ अभी थोड़ी देर पहले। एंड बहुत लाइट वेट है, ऐसे कुछ नहीं है, बहुत हैवी है। एंड देखते हैं इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। वैसे इतना पानी अभी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, जैसे रात होती है वैसे जो है टेम्परेचर और डाउन चला जाता है। इस वजह से जो है मैं इसको कभी कभार जो है चला के यूज़ करूँगा, अभी से देखूँगा ट्राई करूँगा। तो गाइज आज का जो वीडियो है वो बना रहा है अनबॉक्सिंग नैतिक कर रहा है, क्योंकि नैतिक आज बढ़िया कपड़े पहन के आया एकदम, तो नैतिक से ही अनबॉक्सिंग कराएंगे आज। चलो तो ये कुछ पर्ची है नैतिक, कहाँ से सीखा। तो ये गाइस कुछ हीटर देखिए गाइस हमारे, इस तरह काफी इसकी लेंथ काफी लंबी है, ये लगभग 12-13 इंचेस का है हीटर अपना। तो इसको हम एक्वेरियम में डालेंगे। मैं आपको दिखाऊं तो इसमें जो है कुछ है नहीं, ये पूरा ग्लास का बना हुआ है। एंड साथ में ये जो है ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, आपको यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग दिख रही होगी। तो अभी मैंने 28 पे सेट किया इसको, मैंने काफ़ी ज़्यादा जो रिव्यूज़ देखे उसमें 28 जो है वो आइडियल माना जाता है। तो इसको हम एक्वेरियम के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं गाइस, देखते हैं कैसे होता है। वैसे ये सीधा नहीं आएगा, मेरा जो है 300 वाट का मंगाया, ये खरीदा है 300 वाट का, तो ये ज़्यादा थोड़ा लेस की लेंथ ज़्यादा है, तो हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाएंगे अंदर, फिट करेंगे। और ये पूरा कम्प्लीटली मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है। और ये नैतिक बोल रहा था झूठ, पढ़ेंगे नहीं और पढ़ रहा है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। तो गाइस अंदर डालते हैं इसको, पूरा कम्प्लीटली अंदर डालना है इसको ना। मैं अभी फिलहाल जो है अपने फिल्टर के पास ही लगाने की कोशिश में हूँ, वैसे अंदर कैसा दिख रहा है ये। तो इसको कम्प्लीटली जो है पानी के अंदर डालना है, मेरा वो जो है वो फंस रहा है एक डेकोरेशन, तो हम इसको हटा देते हैं। थोड़ा सा हटा दिया, तो मेरी जो है पैनिक हो रही है, फिश जो है शार्क थोड़ा सा शर्मीले होते हैं शार्क, तो वो हमेशा से ऐसे ही होते हैं, पैनिक करते हैं यू। एंड ये तो आई गेस ये फिट हो चुका है एंड पानी के काफ़ी अंदर है, तो मेरी थोड़ी सी बैकग्राउंड डेकोरेशन चली जाएगी इसमें। तो गाइस इसको ऑन करते देखते हैं मछलियाँ कितनी जल्दी मरती हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वैसे अभी ऑन है हीटर और मेरे को फील तो हो रहा है कि कुछ तो एक अलग सी टेम्परेचर डिफरेंस फील हो रहा है मेरे को। तो गाइस हीट हो रहा है मेरे हाथ में, फील हो रहा है, इसका मतलब अपना वर्किंग है, काम कर रहा है। तो गाइस अपने साथ नैतिक है, ये कैमरामैन भी था अपना आज, और इसने अनबॉक्सिंग भी की। तो नैतिक
कैसा लग रहा है कि ये हीटर कैसा काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा काम। तो नैतिक, तुम्हारा फेवरेट फिश कौन सा है इसमें, जो तुम चाहते हो जल्दी से फ्राई हो जाए, तुम्हारे हीटर की वजह से जल्दी से फिश फ्राई हो जाए, ऐसा कौन सा फिश है जो जल्दी फ्राई होना चाहिए? अच्छा, ये मोटी वाली। अच्छा भावना, तुम कौन सा चाहते हो, कौन सा फ्राई हो? भावना जो है ज्यादातर तो आज इसी में लगी रही है, सिल्वर। सिल्वर वाले को फ्राई करना है। तो गाइस, अब मैं आपको एक एक फिश दिखाता हूँ बढ़िया। तो गाइस, ये फिलहाल देखिए, कोई का आप कुछ बात करना चाह रहा है मेरे शुभम किन से, एंड साथ में मेरी ये जो है गोरामी फिश जो है वो अपना अलग से चिल कर रहे हैं, तीनों की कुछ मीटिंग चल रही है। और पीछे जो है वाइट कोई काप, वो आप देख सकते हैं, मिल्की काप उसको बोलते हैं, एंड वो तो है एकदम ही चिल कर रहा है और हीटर के पास जा रहे हैं। गाइस, मैंने नोटिस किया थोड़ा बहुत, ये ना सारे एक बहुत चाइना का माल खा लिया आपने। रुक जाओ, मैं तो कैसे चाइना से लाए हैं भैया, चाइनीज से। एक चाइना के नए नए बंदे आ गए अचानक से, तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ, बार बार एक ही स्टेप मत फेमस करो अपना। सुनो भैया, सुनो। अच्छा, हमें हीटर लगा दिया, इंस्टॉल कर दिया, वो देखो हीटर है अंदर, ट्यूब जो है, देख भैया। हाँ, तो कैसा लग रहा है कि फिश कितनी जल्दी मरेंगी अब इसकी वजह से? दो मिनट बाद खत्म है ना। तो कौन सा फिश चाहोगे कि जो सबसे पहले फ्राई हो जाए? ये बड़ा वाला। हाँ, सबकी नजर गाइस बड़े वाले पे है, मोटे वाले पे, बड़ा वाले पे मंगता। ये चाइना का माल कहाँ से उठा लाए आप? चाइना से ही है ये। बस मैं लाने नहीं गया था, कोई और लाके लेके आया भैया, तभी दो दिन में खराब हो जाएगा ये। तो गाइस, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये प्रोडक्शन जो है चाइना ही करती है, इंडिया बनाती ही नहीं है अपना हीटर या कुछ भी एक्वेरियम का सामान, तो चाइना से ही लेने पड़ेंगे हमें चाइना। ये देखो मार्क भी का लिखा है यहाँ पर, देखो मेड इन चाइना। हाँ, वहाँ लिखा है चाइनीज माल। जो तुम फोन चला के आए हो ना घर पे गाइस, अभी तुम तीन दोनों जो अभी फोन चला के आए, वो भी चाइना का है। अगर आपको मेरी फिशेस पसंद आई एंड ये सारे जो है हेल्पर्स जो है फ्रेंड्स है छोटे छोटे सब पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को जो है शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, एंड तो थैंक यू, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।